हेलो दोस्तों, स्वागत है फ्रेश एपिसोड ऑफ वी आर क्रिएटिव। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने हैमर बैट का रिव्यू किया था, तो आज इस जेस्पर कंपनी का जो हैमर बैट है इसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं। बहुत हार्ड टेनिस बॉल और सॉफ्ट टेनिस बॉल दोनों के साथ हम टेस्टिंग करेंगे, लंबे लंबे शॉट मारेंगे, देखेंगे इसका जो रेस्पॉन्ड है टेनिस बॉल के साथ कैसा वो आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड। तो दोस्तों, ये है मेरे हाथ में जो जेस्पर कंपनी का हैमर बैट। तो इसका प्राइस जो था वो 520 रुपया था, हमने इसको अमेजन से लिया था। ये है मेरे हाथ में जो गुरु का हार्ड टेनिस बॉल, हम अभी इसके साथ कुछ शॉट खेलेंगे और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है ये हार्ड टेनिस बॉल के साथ कैसा है। तो दोस्तों, आप शॉट देख रहे थे, ये जो हार्ड टेनिस बॉल है गुरु का इसके साथ इस बैट का। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बैट के बारे में मेरे जो कमेंट आते हैं वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन हमने जो शॉट खेला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं इस बैट के बारे में बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, मैं जो ऑनेस्ट बात होता है वही बोलता हूँ, सिर्फ जो मैं देखता हूँ वही, उसी के बारे में आपके पास वो जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस बैट का देखिए, यहाँ पे एक शॉट लगा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दब गया है, ये जो साइड में जो गेंद लगता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दब गया है ये एक शॉट। और यहाँ पे जो बीच में लगता है, जो यहाँ इतने पोर्शन जो है यहाँ पे जब लगता है शॉट, तो वहाँ पे वो अच्छा वाला शॉट जाता है। लेकिन देखिए इस बैट का तो ये तो करामती, देखिए यहाँ पे इस साइड में मैंने जब मारा ना यहाँ पे लगा था एक शॉट और यहाँ से दब गया है। तो दोस्तों, हम हार्ड टेनिस बॉल के साथ इस बैट को खेलने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गया है। देखिए, जो हार्ड टेनिस बॉल है इसके लिए इतना भी अच्छा नहीं है, कुछ दोस्तों को शायद ये बात अच्छा ना लगे, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं शॉट खेल रहा था ना ये बैट इतना अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, खास करके इस हार्ड टेनिस बॉल के साथ। और तो एक जगह से ये दब गया मैंने जैसे भी बताया। तो दोस्तों, ये बैट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा हार्ड टेनिस बॉल के लिए। तो दोस्तों चलिए कुछ सॉफ्ट बॉल के साथ भी इसका शॉट देख लेते हैं, तो कैसा ये रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे शॉट, तो शायद आपको जो बॉल है उसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए, ये हमारा हार्ड बॉल है गुरु का, देखिए जैसे कितने जोर से दबा रहा हूँ, ये दब नहीं रहा है, इसको साइड करते हैं। ये है हमारा सॉफ्ट टेनिस बॉल, देखिए, तो इससे अभी शॉट खेल रहे थे इस बैट के साथ। और हमने जितने भी इसका जो शॉट खेला जो सॉफ्ट बॉल में वो इतना अच्छा खास नहीं था, हमारा जो ट्रेडिशनल शॉट है जैसे कि ज़्यादा फोर्स यूज नहीं करते हैं। वैसे वाला अगर आपका खेल है तो आप इस बॉल्स के जो सॉफ्ट बॉल है, हार्ड टेनिस बॉल नहीं, जो सॉफ्ट टेनिस बॉल है उसके साथ ये बैट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जो हार्ड हिटर जैसे खेलते हैं और सारे गेंद को छक्का चौका मारने में बिलीव रखते हैं, तो ये वाला बैट सॉफ्ट टेनिस बॉल के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल बारिश बहुत तेज से आ रहा है, तो अभी हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल के बेल आइकन को सेट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो बैट के बारे में जो भी जानकारी था वो आपके पास पहुँच चुका होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।